अगर आप लोग भी AI का यूज करके एक सॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव राजपूत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप AI का यूज करके मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज करके सॉन्ग कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये जो सॉन्ग है ना, किसी के बर्थडे के लिए हो सकता है, किसी के स्पेशल ओकेजन के लिए हो सकता है, या किसी इवेंट के लिए या फेस्टिवल के लिए हो सकता है, या आप चाहो तो एक पर्सनलाइज सॉन्ग भी बना सकते हो। और अगर इस टूल का पर्सनल कैपेसिटी में यूज करते हो तो ये फ्री है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं और वो मोर देन इनफ है आपके पर्सनल यूज के लिए। और अगर आपको ज्यादा सॉन्ग जनरेट करने हैं तो आप इसका कमर्शियल वाला प्लान भी खरीद सकते। इस टूल का नाम है Suno.ai। इसे यूज करना भी बहुत आसान है और कैसे आप यूज कर सकते हो इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो google.com पे आ जाना। गूगल पे आके आपको सर्च करना है Suno.ai। आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी और ये वेबसाइट का आप लोगो देख सकते हो, लिंक भी आप देख सकते हो। ये है Suno.ai, .com नहीं है, .ai है। तो आप इसे करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी और काफ़ी अच्छी वेबसाइट इन्होंने बनाई है, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है वेबसाइट भी इनकी। तो आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो हमें डायरेक्ट इसे यूज़ करना है तो ये जो राइट साइड में ऑप्शन है ना मेक अ सॉन्ग, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट है ये ओपन होगी। तो यहाँ पर इसका जो पोर्टल है जहाँ पर हमें बेसिकली अपनी कमांड या वो देनी है वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ये वो सॉन्ग्स हैं जो पहले से किसी ने क्रिएट कर रखे हैं। तो जैसे मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। टटल तो बाकी इसमें ठीक है दोस्तों। अगर अब हमें खुद अपना कोई सॉन्ग क्रिएट करना है तो यहाँ पर ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है ना लेफ्ट साइड में टॉप पे आप देख सकते हैं, तो हम इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये बेसिकली कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैंने पहले से मतलब जनरेट करे थे, तो मैं आपको ये सुनाता हूँ एक बार। भले ही रास्ते हो कहने दे मन ना हो कभी आज लगे मुश्किल ये सफर दे। तो ये सॉन्ग था। बाकी अगर हमें कोई नया सॉन्ग जनरेट करना है तो यहाँ पर बस हमें कमांड देंगे, जैसे मैं एक देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट अ मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर एंटरप्रेन्योर इन हिंदी। तो अब एक बार हम इसे क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट करने पे थोड़ा सा टाइम लेता है और ये जनरेट कर रहा है सॉन्ग को, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो दोस्तों इसने सॉन्ग जनरेट कर दिया है, जो लास्ट वाले दो सॉन्ग्स हैं ना तो वो इसी कमांड के बेसिस पे इसने जनरेट करा है। तो एक बार हम सुनते हैं इसे। हारने ना देना दुनिया की रफ्तार से पीछे मत हटना, उड़ने का जुनून है सपनों का देश है अपने सपने हमेशा साथ ले जाना। तो दोस्तों ये एक सॉन्ग था, दूसरा भी हम सुन लेते हैं। हो चल उठ कर दे सपनों को सच, चल पड़े हैं दुनिया को है आगे टक्कर, तू जीवन की रेस में एक योद्धा है, तू ना रुक सकेगा कोई, तू है ऊंची उड़ान का वजूद। तो दोस्तों ये दोनों सॉन्ग्स है जो अभी हमने जनरेट करो आप सुन सकते हो, काफ़ी अच्छे और प्रोफेशनल सॉन्ग्स हैं और ये मतलब AI ने इतने अच्छे से काम करा है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों ही सॉन्ग्स की, कितने आसानी से सिर्फ एक कमांड के बेसिस पे, एक हमने प्रॉम्प्ट लिखा है उसके बेसिस पे पूरे का पूरा सॉन्ग इसने जनरेट करके दे दिया। इसी तरीके से दोस्तों और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कस्टम मोड पर जाते हैं ना तो आपके पास कोई स्पेसिफिक लिरिक्स है तो आप यहाँ पर लिरिक्स भी लिख सकते हो। तो एक बार हम उसका भी यूज़ करके कुछ जनरेट करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ लिरिक्स पेस्ट कर दिया, लिरिक नहीं है बेसिकली शायरी है और थोड़ी सी ब्रेकअप वाली बोल लो या आस्की वाली शायरी है। तो ना कोई किसी से दूर होता ना कोई किसी के करीब होता, वो खुद ही चल के आता है जो जिसके नसीब होता है। तो इसके ऊपर हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं कि ये क्रिएट होता है नहीं होता और किस तरीके से इस लिरिक्स के मतलब इन लाइन्स के ऊपर ये सॉन्ग जनरेट कर पाता है। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग जनरेट हो गया है, एक बार हम इस सॉन्ग को सुन भी लेते हैं। ना कोई किसी से दूर होता है ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद है चल के आता है जो जिसका नसीब होता है जाने ही आमा। तो दोस्तों ये पहला सॉन्ग था और दूसरा जो इस लिरिक्स के ऊपर सॉन्ग जनरेट करा वो भी सुनते हैं। आ रहा तो ये किसी से दूर होता है ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद है चल के आता है जो जिसका
नसीब होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसने जो दोनों सॉन्ग को जनरेट करा हुआ है सिर्फ एक शायरी के ऊपर, और इस तरीके से आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। और आप कस्टम वाले मैंने आपको दिखाया, और नॉर्मल अगर आप एक कमांड देते हो किसी के बर्थडे तो उसका नाम लिख के आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हो तो ये सॉन्ग जनरेट कर देगा। तो बस इतना सही है, इसमें आपको फ्री क्रेडिट मिलते हैं, 50 फ्री क्रेडिट मिलते हैं, और अगर आपको और चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों आप इस टूल को यूज़ करिए, और टूल को यूज़ करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये टूल कैसे लगा, और इस टूल का यूज़ करके आप कोई भी सॉन्ग जनरेट करते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे सकते हो शेयर करके, तो मैं उसे सुनना चाहूँ कि आपने क्या जनरेट करा। और आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है या कोई फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।